आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर आयशा अब्बास, मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और डायटिशियन भी। मछली कितनी इम्पोर्टेंट है, कैसे खाना चाहिए, कितनी खाना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मछली की बेहतरीन बात यह है कि उसके अंदर मौजूद होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, उसके अंदर विटामिन डी, विटामिन B2, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, मैग्नीशियम है, ये तमाम तर चीज़ें, और उसके अलावा पोटाशियम भी है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के तहत आपको मछली खानी चाहिए है हफ्ते में 2 मरतबा। दूसरी बात यह कि मछली की जो अफादियत है वो चिकन से इसलिए और ज़्यादा है बिकॉज उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मौजूद हैं। लेकिन दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मछली जो कि पानी के अंदर जब मौजूद होती है तो वो खाने पीने के दौरान ऐसे हार्मफुल केमिकल्स भी खा लेती है पानी से लेते हुए फूड के तौर पर जब वो खाना खा रही होती है। मैं आपको बहुत सिंपल करके बता रही हूँ, जिसमें कुछ ऐसे केमिकल्स जैसे कि मर्क्यूरी भी शामिल होते हैं जो कि बिल्डअप उनकी बॉडी के अंदर हो जाते हैं। तो जब हम ऐसी फिश का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होगी और मर्क्यूरी के लेवल्स डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। तो वो खवातीन जो कि प्रेग्नेंट हैं या वो प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, ऐसी फिश से उनको परहेज़ करना चाहिए। शार्क्स वगैरह का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मछली जैसे कि सैल्मन है या च्यूना है, वो बहुत ही बिल्कुल सेफ़ है, महफूज है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। ऐसा तरीक़ेकार जिससे कि मछली को हम इस्तेमाल करें और हमारी सेहत के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, उसमें ये कि पोच करके, उसको स्टीम करके, उसको बेक करके या ग्रिल करके खाएं। डीप फ्राई करके खाना भी कोई हर्ज नहीं रखता, लेकिन कभी के बार, वरना वज़न की ज़्यादती हो सकती है। बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि हम उसको लो टेम्परेचर के ऊपर कुक करके खाएं। मछली के रेगुलर इस्तेमाल से आप बहुत सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ से बच सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। और सैल्मन चूँकि थोड़ी महंगी भी है लेकिन मछलियों में बहुत बेस्ट है, वरना जो भी मछली के खाने के अच्छे महीने हैं आप उनमें ज़रूर, जो कि ब्रीडिंग सीज़न है उसके अलावा, आप उसको खाइए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपका पेट बहुत ज़्यादा देर तक मछली के खाने से भरा रह सकता है। मछली का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मुझसे रابطہ करना चाहते हैं ओला डॉक के लिए ज़रिए, आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन, जो कराची में मौजूद नहीं है। और जो लोग कराची में मौजूद होते हैं, मैं 3 दिन होती हूँ खलीज टावर्स में, रिम्स ओपीटी के अंदर, 4th फ्लोर के अंदर, 4th फ्लोर पे, कमरा नंबर 401 में, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 4 से 6 बजे। और उसके अलावा 1st फ्लोर प्लाजा शॉपिंग मॉल 2 तलवार क्लिफ्टन पे, सैटरडे, मंडे और थर्सडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू विल शेयर दिस। बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।